हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेक सपोर्ट चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3D फ्रेम एप्लीकेशन के बारे में। इसकी मदद से आप चाहें तो अपने किसी भी फोटो को 3D फ्रेम के अंदर फिट कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं किसी भी फ्रेम में अपने फोटो को फिट करने के लिए, उसे एडिट करने के लिए, तो फिर आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। इस एप्लीकेशन को मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ, तो इस तरह से आपको यहाँ पर इस एप्लीकेशन का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप चाहें तो अपनी गैलरी से फोटो को इंसर्ट करा सकते हैं या फिर फोटो को कैप्चर भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ से गैलरी को ओपन कर लेते हैं, यहाँ से एक फोटो को चूज कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने फोटो को चूज कर लिया, इसको हम चाहें तो क्रॉप भी कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं, और यहाँ पर ओके कर देते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमें बहुत सारे फ्रेम देखने को मिल जाते हैं। आपको जो भी फ्रेम ठीक लगता है उसमें आप अपने फोटो को सेव कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो यहाँ पर और भी काफ़ी सारे फीचर्स दिए हुए हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे स्टिकर दिए हुए हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे कलर इफेक्ट दिए हुए हैं। आप चाहें तो अपने फोटो की ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट को भी बढ़ा सकते हैं या फिर घटा भी सकते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर आपको और भी काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम अपने फोटो के ऊपर कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। आफ्टर ऑल मैं यही कहूँगा, इस एप्लीकेशन की मदद से आप काफ़ी अमेजिंग फोटो बना सकते हैं। अगर आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया हुआ है, या फिर आप चाहें तो वीडियो के एंड स्क्रीन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और नई वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।